अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग देख सकते हैं शाम के 7 बज चुके हैं और अभी सभी सीन कुछ ऐसा है कि आज आप लोग कह सकते हैं जैसा कि चांद रात होती है, चांद रात है और सुबह ईद है। और नेक्स्ट अपडेट मैं आपको ईद वाले दिन दूंगा व्लॉग, इंशाल्लाह ये व्लॉग कंप्लीट करेंगे, आपको दिखाएंगे और गांव का माहौल वगैरह भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं पहले वो बहुत ज्यादा व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा मैंने व्लॉग स्टार्ट किया लेकिन कभी कंप्लीट नहीं किया, अपलोड नहीं किया, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह ये व्लॉग अपलोड होगा, आप लोग देख। नेक्स्ट डे सो ये है ईद का पहला दिन, अभी आज ईद है और अभी सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बारिश होती रही है काफ़ी रात को और अभी तकरीबन जो है ना वो टाइम हो रहा है, सो तकरीबन अभी 8 बज रहे हैं और अभी तमाम लोग जो है ना वो ईद की नमाज़ पढ़ चुके हैं, अभी कुर्बानी का टाइम हो गया है। बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप लोगों को मैंने ख़त वगैरह भी नहीं करवाया नज़र आ रहा होगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि यार यहाँ पर हम ना गाँव में इस वक्त इस दफ़ा ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो है रिलेटिव हो गई थी रिलेटिव की, तो उस वजह से कोई भी ज़्यादा ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहा। और अभी मौसम बहुत ही लेवल का हुआ, जिस तरह पहले गर्मी थी उसकी नस्बत अभी अगर देखा जाए तो मौसम बहुत ही लेवल का है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, ये बादल नहीं है भाई, क्या हाल है, शुक्र अल्लाह का। और अभी थोड़ी टाइम बाद कुर्बानी करते हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट अपडेट करते हैं। ए भाई साहब ईद लेके खुश हो रहे हैं, कितनी ईद बनी है, 700 दिखा इधर, 700 ये 600 तो मैंने तुझे दिया है, 600 तो मैंने तुझे दिया है, नहीं ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, आपने दिया है, क्या कह रहा है, मैं वापस ले लूंगा। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं और ये भाई साहब यहाँ पर टिकटॉक वीडियोस बनाने आए हैं, बेसिकली मैंने नहीं बनानी, इसके पिक्चर्स वगैरह बनानी थी और स्लोमो वगैरह कुछ बनाते हैं, और उसके बाद अभी जो है ना वो थोड़ी टाइम तक कुर्बानी करते हैं और वो सीन भी आपको दिखाएंगे और उसके अलावा भी दिखाएंगे हम क्या क्या करते हैं। बेसिकली ये ईद इतनी खास नहीं है, उसके पीछे रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिलेटिव की डेथ हो गई थी, उस वजह से ईद हम लोग कर रहे, हम नहीं बल्कि कोई भी नहीं कर रहा हमारे रिलेटिव में से, तो इस वजह से जो है ना वो किसी के घर भी आना जाना नहीं है इस दफ़ा, अपने घर ही रहना है, तो ये सारा सीन है। और फिलहाल आपको अपडेट करते हैं नेक्स्ट जो जो करेंगे ये व्लॉग। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे कुर्बानी करनी है, ये भाई हमें मिले हैं सलमान भाई, कैसे हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन ठीक, और ये ना दिखाएं, ये आप दिखा नहीं होगी शरीर वगैरह, ये ना दिखाएं, इसकी भरमार होनी है, ये बात तो है। और सुनाए कैसे हैं, ये भी यूट्यूब पर बनने की कोशिश करते हैं फिर छोड़ जाते हैं, बस ऐसा ही है, शौक आया है आपकी वीडियोज देख के, तो अरे सर सर मैं गिर ना जाऊँ, ये रास्ता इस तरह का है, कुछ भी हो सकता है। दिल लगी कितने दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कितने दिल को, एक मिनट चुप करो। तो गाइस अभी हम लोग कुर्बानी जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई है, अभी उसका गोश्त वगैरह बन रहा है, तो हम लोग अभी वापस आ रहे हैं, ये दो भाई मेरे साथ हैं। आपको कैसा लग रहा है ईद का, आपको मतलब क्या फीलिंग है आपकी? जी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये गोश्त लेके जा रहा है भाई, वो लड़का गोश्त लेके जा रहा है, ये क्यों लेके जा रहा है, ओए इधर आ इधर आ, हेलो आई गोश्त लेके जा ओके हो गया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और क्योंकि हमारे इधर कोई काम नहीं था और वो सामने वहाँ पे कुर्बानी, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पे लोग जमा है, वो आपको तो हल्के फुल्के नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं, मैं वहाँ से आया हूँ, अभी आपको थोड़ा बहुत सीन भी दिखाए हैं, क्योंकि मैं वो जो खून और ब्लड वाला सीन था वो मैं आपको नहीं दिखा सका, उसके पीछे रीज़न ये थी कि अगर वो मैं दिखाता तो यूट्यूब फिर मेरे चैनल को ना वो बिल्कुल इस तरह कुर्बान कर देता, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा चैनल जो है ना वो यूट्यूब इसको कुर्बान करे, तो इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाया। खैर अभी घर जा रहा हूँ और आप लोग पीछे जो है ना वो व्यू चेक कर सकते हैं, बादल के किस तरह व्यू है, यहाँ से आप चेक करें, यहाँ पे लेवल आ रहा होगा, वैसे बैक कैमरे से बना रहा हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरी इस तरह प्रिडिक्शन है कि अच्छा नज़र आ रहा होगा, तो खैर ये देख सकते हैं व्यू ऑफ माई विलेज। अभी चलते हैं घर, घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं, जो जो भी आज करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। और सो आप लोग टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भैंसों के लिए और जानवरों के लिए चारा लेने,
और अच्छा फंस गया, मुझे अभी उतरना पड़ेगा। वो भाई वहाँ पर चारा काट रहे हैं मशीन से, और हम लोग यहाँ पर रिक्शे में बैठे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रात को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से रोड पे हल्का फुल्का जो है ना वो कीचड़ है, चीकड़ है या कीचड़ है क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं किसी जगह पे, जो बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं कैमरे में। आई थिंक ये देखें, ओ भाई सामने चारा काट रहे अगले। ये बहुत अच्छा बच्चा है, काम कर रहा है। ये नुमान साहब बैठे हैं, गुड गुड। और ये यहाँ पे लोग कैंटे करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।